सभी को मैं बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती जो है कब आएगा, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, एज लिमिट क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, पैसा आपको कितना मिलेगा, सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ड्रग इंस्पेक्टर का कार्य जो मेडिकल होते हैं उनमें सही दवाई बिक रहा है या गलत मेडिसिन बिक रहा है उन सब की जानकारी, मेडिकल शॉप खोलने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की परमिशन भी ज़रूरी है। यानी कोई यदि आपने बी फार्मेसी कर लिया और उसके बाद जब आप मेडिकल शॉप स्टार्ट करते हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर की आपको परमिशन लेना सबसे पहले ज़रूरी होता है। मेडिकल में गलत मेडिसिन दवाई बेचने पर ड्रग इंस्पेक्टर जो है आपके लाइसेंस रद्द कर सकता है, उसके पास ये अधिकार होता है। तो योग्यता की बात करें तो बी फार्मा, डी फार्मा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टूडेंट जो बायोलॉजी से हैं और जिसने बी फार्म किया है वो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। और ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जो है सभी स्टेट में जो है वैकेंसी जो है निकलता है, तो अपने अपने स्टेट में आप जो है डाल सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर में एग्ज़ाम की बात करें तो दो एग्ज़ाम होते हैं, MCQ क्वेश्चन जो 200 नंबर का होता है, फिर आपका जनरल एप्टेटिव क्वेश्चन जो आपका 50 अंक का होता है, यानी आपका 250 अंक का। एज लिमिट की बात करें तो आपका मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष और मैक्सिमम एज लिमिट आपका 30 वर्ष होना चाहिए। SC ST को 5 साल का छूट जो है आयु सीमा में दिया जाता है। सैलरी की बात करें तो आपका 45,000 रुपये हर महीने आपको सैलरी जो है मिलेगा। तो ये ड्रग इंस्पेक्टर हैं। तो छत्तीसगढ़ में जब भी ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती निकलते हैं मैं आप सभी को बता दूँगा आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। और सिलेबस इसके बात करें तो आपको छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, करंट अफेयर्स और भारत का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल और इकोनॉमिक्स, संविधान, इन सभी टॉपिक से जो है एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।